रुक जाओ सती। तुम्हारा ये निर्णय महादेव को कितनी पीड़ा देगा इसकी अनुभूति है तुमको। इस निर्णय से सबका अहित होगा सती। हमारा यज्ञ में जाना संभव है क्योंकि वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा। नारायण, आप तो मेरे कुल के इष्ट देव हैं। आपकी आज्ञा का पालन ना करना मेरे लिए मृत्यु के ही समान है, किंतु आप जिस अहित की ओर इंगित कर रहे हैं, आज तक उसी अहित से तो मेरी रक्षा महादेव करते आए हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे खोना नहीं चाहते थे, किंतु हमारा अलग होना निश्चित है ताकि हम सदा सदा के लिए एक हो सके। प्रभु, मेरे महादेव को समझने की शक्ति, उनके महान प्रेमपूर्ण भावना को वहन करने का सामर्थ्य इस तुच्छ शरीर में कहां। ये शरीर तो केवल अहंकार और ईर्ष्या के बीच से निर्मित है। ये शरीर जिससे मैं पहचानी जाती हूं वो मेरे शिव के अयोग्य है। शिव की पत्नी होने के पश्चात भी दक्षायनी होने की उपाधि कलंक है मेरे लिए। इस शरीर को त्याग किए बिना मैं महादेव की नहीं हो सकती। प्रभु, मनुष्य शरीर में भगवान राम के रूप में आपके दर्शन किए हैं मैंने, आपकी व्यथा को अनुभव भी किया, किंतु सीता आपके लिए उतनी ही पूज्य है जितनी की मां लक्ष्मी। जब माता लक्ष्मी सीता का रूप लेती है तो आप भगवान राम के रूप में अवतरित होते हैं, किंतु मेरे महादेव के पास कौन है? एक शूद्र मस्तिष्क से भरे पिता की पुत्री। तू कितने भी पुण्य कर ले अपने शिव को नहीं पा सकती। इसीलिए मेरा इस शरीर का त्याग करना अनिवार्य है। नियति को जानना और उसे घटित होते देखना किंतु रोक ना पाना, ये हम त्रिदेवों की सबसे बड़ी विडंबना है सती। दक्ष, अब हम यहां और नहीं रुक सकते। प्रभु, मेरे नारायण, मेरे प्रभु, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी रक्षा करेंगे। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा दक्ष। दक्ष, हो सके तो इस दुर्घटना को रोक लो।
शूद्र है तेरा पिता, यही कहा था ना? कूचा, यदि तुझमें साहस है तो दक्ष, क्या पूर्ण रूप से तुम्हारी मति भंग हो गई है क्या? तुम अपनी पुत्री के रूप में जन्मी आदि शक्ति को प्रज्वलित अग्निकुंड में कूदने को कह रहे हो? वो तुम्हारी पुत्री के साथ साथ महादेव की अर्धांगनी है। यही तो इसका कलंक है, ये महादेव की अर्धांगनी है। उसे भगवान तो क्या, पशु तुल्य भी नहीं मानता। बस प्रजापति बस। महादेव ध्यान से बाहर आइए। महादेव समाधि से बाहर आइए, अनर्थ हो रहा है। महादेव आगे खोलिए, प्रभु 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 आगे आगे खोलिए प्रभु। प्रभु महादेव माता सती बचा लीजिए उन्हें, आंखें खोलिए प्रभु। क्या करूं, कैसे जगाऊं मेरे प्रभु को? प्रभु आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। शांत हो जाओ नंदी, मैं सब जानता हूं। महादेव ध्यानस्थ हैं, स्वयं से युद्धरत हैं। नंदी, अपने प्रिय को पाने के लिए भगवान मनुष्य तो बन सकता है, उसकी नियति को नहीं बदल सकता। योशी, आप क्या कहना चाहते हैं? यदि मेरी माता को कुछ हो जाए तो मैं महादेव को क्या उत्तर दूंगा? मेरे महादेव ने मुझे माता की रक्षा का दायित्व सौंपा था और मैं नंदी, महादेव की अंतरात्मा में सती का प्रेम इतना अंदर जाकर बस गया है, सती के वियोग में महादेव कहीं मनुष्य न बन जाए। देवर्षि, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। त्रिमूर्ति के दायित्व से बद्ध हैं शिव, यदि सती का अंत हुआ तो त्रिमूर्ति का भी अंत हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु होंगे किंतु महेश नहीं होंगे। कहां उठता है मेरा मन इस कल्पना से भी, शिव विहीन त्रिमूर्ति कैसी होगी? देवर्षि, आपको त्रिमूर्ति की चिंता है और मुझे मुझे मेरी माता की चिंता। प्रभु आंखें खोलिए ना, मेरी माता को रोकिए प्रभु। देवर्षि, आप मुझे केवल ये बताइए कि मेरे महादेव का ध्यान से बाहर आना संभव है या नहीं? अब केवल प्रलय ही महादेव को इस ध्यान से बाहर ला सकता है, और प्रलय आ रहा है नंदी। मुझे प्रलय की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है। नहीं, यदि महादेव ध्यान से नहीं जगेंगे तो मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा।
यज्ञ स्थल पर मैं प्रयत्न करूंगा मेरी माता को रोकने का। मैं करूंगा प्रयत्न, मैं प्रयत्न करूंगा। माता, माता। नहीं नंदी, अब इस प्रलय को रोकना किसी के वश में नहीं, किसी के भी नहीं।